नमस्कार, अमोल फाइन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हमें वीडियो देखना है ग्लास पेंटिंग ऑन ओएचपी सीट, यानी कि ओएचपी सीट पे ग्लास कलर से पेंटिंग किस तरह से करते हैं, हाउ टू यूज ग्लास कलर किस तरह से यूज किया जाता है, साथ साथ में हाउ टू यूज ग्लास लाइनर फॉर आउटलाइन, यानी कि सबसे पहले ब्लैक आउटलाइनर से आउटलाइन किस तरह से करते हैं, ये इस वीडियो में पूरी तरह से कवर किया है। ग्लास पेंटिंग का आइडिया भी आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। लेकिन ये सब डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। अभी देखते हैं ग्लास पेंटिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डिज़ाइन आप लो, या प्रिंटेड डिज़ाइन लो, हाथ से बना लो पेपर पे, वो डिज़ाइन पेपर के ऊपर आपको ओएचपी शीट रखना है और उसे सेलो टेप से पेस्ट करना है। स्टेपलर से भी आप उसे स्टेपल कर सकते हो। ध्यान रहे, डिज़ाइन पेपर के ऊपर आपको ओएचपी शीट रखना है। उसके बाद में कलर के बॉक्स में एक लाइनर होता है, उसे नोजल लगा के आपको सेम जो डिज़ाइन है उसी तरह उसके ऊपर आपको खाली आउटलाइनर से आउटलाइन करना है, ऊपर से नीचे आउटलाइन करते आना है। अभी देखते हैं, हम लोग जैसा डिज़ाइन है उसी तरह से हम लोग आउटलाइनर से आउटलाइन कर रहे हैं, यानी कि डिज़ाइन के ऊपर खाली ब्लैक आउटलाइनर हमें चलाना है, डिज़ाइन के ऊपर से हमें नीचे डिज़ाइन करते करते आना है, ताकि हमारे हाथ से डिज़ाइन खराब ना हो। सेम इसी तरह से ब्लैक आउटलाइनर से आपको कंप्लीट डिजाइन को आउटलाइन कर लेना है। ब्लैक आउटलाइनर से आउटलाइन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हमें इसे कम से कम 3 या 4 घंटा सूखने को रखना है, यानी कम से कम ये 3 या 4 घंटा सूखना चाहिए, उसके बाद ही आपको ग्लास कलर करना है। अभी हम लोग ओएचपी सीट निकाल लेते हैं और उसे अच्छे से व्हाइट सरफेस वाले पेपर पे रख के उसके ऊपर कलर फिल करते हैं। ये सभी वाटर बेस्ड ग्लास कलर है, आपको जिस तरह से चाहिए वो कलर से आप फ्लावर में, लीफ में कलर कर सकते हो। जरूरी नहीं मैं जो कलर जहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को भी वही कलर करना है, आप पिंक, ब्लू, रेड, कोई भी कलर यहाँ पे फ्लावर में यूज कर सकते हो।
जहाँ पे हमारा OHP सीट पे ग्लास पेंटिंग कंप्लीट हुआ। अभी इसे एक या दो घंटा सूखने दो, उसके बाद हमें इसे फॉइल पेपर पे पेस्ट करना है। OHP सीट से बड़े साइज का फॉइल पेपर हमें कट करना होगा। इस तरह से OHP सीट से बड़ा फॉइल पेपर हम लोगों ने कट किया, सिल्वर फॉइल पेपर। सिल्वर फॉइल पेपर को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा आपको क्रश करना है। आप वीडियो में देख सकते हो, उसी तरह से आपको सिल्वर फॉइल पेपर को क्रश करना है। अभी किए हुए क्रश फॉइल पेपर के ऊपर हमें OHP सीट रखना है। ये हमारा ब्यूटीफुल ग्लास पेंटिंग तैयार हुआ। आप इसे फ्रेम भी कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।